हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो ये भी जो मेरा आपसे एक प्रॉमिस था कि मैं आपके लिए जो है सीडीपी के जो है पेपर टू की, जो आज के दिन जो पेपर हुआ 8 दिसंबर 2019, जो सीडीपी का पेपर आपके साथ डिस्कस करना था, उसी का जो है पेपर टू मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। पार्ट वन की अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी, मीन्स जो पेपर वन जो था लेवल वन ईटीटी वालों का, डीएलएड वालों का, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के जो है क्लासेस वालों का, तो वो आपने अभी तक नहीं देखी है, तो मीन्स आपने उसकी एक्सपेक्टेड आंसर की मैच नहीं की है, तो वो आप जरूर से कर लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए, एक एक्सपेक्टेड आंसर की के बेसिस पे देखेंगे और जानेंगे इसके लिए आपके लिए कितने राइट होने वाले हैं। फिर एक्सपेक्टेड बेसिस पे जरूर, और फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इस वीडियो को भी शेयर करना है, जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो को भी किया है, और उसी तरह इस वीडियो को भी जो है शेयर करते रहना है। ओके जी, तो देखते हैं फिर। नूर फोगो टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस तन्या टू शेयर हर टिफिन, सेइंग कि नूर है जो कि विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई है, और तथा यह कहते हुए तान्या से जो है उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तो तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात कर रही है एक लड़की जो है दूसरी से कि तुम्हें जो है अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच साझा किया था। देखो मैं आपको याद दिला देता हूं, इस टाइप की एग्जांपल्स अपने लिए पहले भी आ चुकी है। एक बच्चा कहता है कि तुम मेरी पीठ पे खुजली कर दो, मैं तुम्हारी पीठ पे खुजली कर दूंगा। काफी एक फनी सी एग्जांपल पहले आई हुई है, तो वो एग्जांपल हम जानते हैं लॉरेंस कोलबर्ग की एक्सचेंज के बेसिस पे है। ये क्वेश्चन वैसे इन्होंने गलत दे रखा है, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इसकी वैसे तो राइट आंसर होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सचेंज के बेसिस पे है। अभी ये मानने वाले तो है नहीं, और हम जानते हैं सीटेट वालों को किस प्रकार का इनका जो है बिहेवियर है, और ये अपनी गलती तो खुद से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ ये बात है कि नेक्स्ट ईयर ये फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन निकाल देंगे, ये भी मेरी गारंटी आपसे, नेक्स्ट ईयर उससे जो है नेक्स्ट ईयर ये कुछ ना कुछ कर देने वाले हैं। ठीक है, तो ये मीन्स अपने को क्यूज दे देते हैं कि हमने जो पहले कुछ किया था वो गलत था और अभी इस बार सही है, तो ये वैसे गलत है, कन्वेंशनल नहीं आना चाहिए। हम जानते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में ये सब होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा एक्सचेंज करता है, और ये पहले भी इन्होंने खुद ही तो बनाया था, क्वेश्चन भी पहले सही था, और हाँ ये तो जरूर होता है कि पहले गलत बनता है फिर सही होता है, बट इस बार ऐसा देखने को मिला। ठीक है, अपने को एक राइट आंसर मिल चुका है, ये बच्चा एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी सैंकिड अपने पास एंड एक्सचेंज एंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज हम जानते हैं ना, तो वो सैकिड सेज की ही एक करैक्टरिस्टिक है, जिसको हम जो है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के बेसिस पे ही जानते हैं। ओके चलो देखते हैं। Wiley, वैसे इस पे बस प्री कन्वेंशनल की मिस्टेक है और बाकी सब तो सही है, वैसे तो कन्वेंशनल ही होना चाहिए था और प्री कन्वेंशनल ही। और देखते हैं जरूर से सेकंड क्वेश्चन को। Wiley held beliefs about typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as, कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की जो अवधारणाएं हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो इसके लिए जेंडर स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल एक जो है राइट ऑप्शन होना चाहिए। जेंडर रूढ़िवादिताएं, ये हम जानते हैं जो एक पहले से जो एक जन सामान्य की अवधारणाएं मीन्स एक सेट कर दी गई हैं पहले से, एक जो है हाँ कि ये जो है सब लड़के करते आ रहे हैं पुराने टाइम से, और इसी बेसिस पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे टोटली। और ये तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो तो पूरी तरह से रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मे बी ये 2016 का ही क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ है, और हमने पहले भी ये डिस्कस भी किया हुआ है, आपको खुद ध्यान में आ जाएगा जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स की जो है वीडियोस को देखा हुआ था, उनको तो काफी बेनिफिट मिला होगा। वैसे पेपर बिल्कुल एक एवरेज से भी जो है आप लो लेवल के कहेंगे, मींस मॉडरेट भी नहीं बोल सकते और ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकते, मींस उन दोनों के भी बीच बीच में से ये पेपर रहा था। ओके बाकी देखते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, तो ये कदम जो है ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्वड इन हाउसहोल्ड्स वर्क्स एंड मदर इज डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज, दिस मूव इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर आपके लिए सेकंड बिल्कुल एक राइट होगा। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बाकी मैं ज्यादा आपकी जो है क्लैरिफिकेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आंसर की पे ज्यादा फोकस करूंगा इसमें। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट
टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड, देखो ये सपोर्ट की बात की जा रही है जो एक्सटेंड कर देती है बच्चों की करंट लेवल की परफॉर्मेंस को, तो ये होगा स्कैफोल्डिंग। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग, देखो हम जानते हैं इसके रिगार्डिंग तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, जो हाइपोथेटिकल जो है डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे की परिकल्पनात्मक निगमन तर्क करने की जो है योग्यता, ये बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ये तो प्रीवियस ईयर में मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है और मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल processes and influence of the cultural context on children's thinking. तो इसके लिए जो है हम एक राइट ऑप्शन रखने वाले हैं, तो आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बिल्कुल सी को, लैब वाइगोस्की जो है बिल्कुल एक राइट आंसर, उनके अकॉर्डिंग बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा और जो है सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। हम जानते हैं ये सोशल कंस्ट्रक्टिव है, उस बेसिस पे ये ऑप्शन बिल्कुल एक राइट है। देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन को भी। ड्रॉइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड, तो इसके लिए आप ऑप्शन नंबर जो है देखने वाले हैं, जो एक सबसे राइट ऑप्शन होगी बी ऑप्शन, बिल्कुल एक सबसे राइट होगी। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, देखो आप खुद समझ सकते हैं इसको, आरटीई के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं ये बच्चे कौन से स्टेज के बच्चे होंगे जो 6 to 8 है, तो इसके बेसिस पे आप खुद जो है इनको क्लियर कर सकते हैं। ये बच्चे कम से कम 11 इयर्स के प्लस पे बच्चे होंगे अगर आप आरटी के रूल्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कम से कम ये 11 ईयर का बच्चा होगा और उसके बेसिस पे मीन आगे की अवस्था है, तो उसके बेसिस पे आप रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस के बेसिस पे आप जरूर से जा सकते हैं। देखो कंक्रीट मटेरियल्स ठीक है राइट हो जाता, बट कब तक, जब आप बिलो 11 होते, अभी आप अबव 11 है तो उसके बेसिस पे ये रॉन्ग होगा फिर जो अपने पास सी था, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा एक बेस्ट ऑप्शन जो है बी ही है। देखते हैं अभी 8th क्वेश्चन को। हार्वर्ड गार्नर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दैट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में भी आप सभी जानते हैं हार्वर्ड गार्नर की फर्स्ट जो 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आई थी उसमें ही एक इंटेलिजेंस थी, बाद में 2 और ऐड हुई वो हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो हम डायरेक्ट चलते हैं आंसर की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एक राइट होगा, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स एंड हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, आप खुद क्लियर कर सकते हैं इनसे कि जो है बात की जा रही है एक पैटर्न को खोजने की और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता की संवेदना है, तो ये लॉजिकल वाली साइड पे आप जरूर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th को भी देख लेते हैं जरूर से, क्वेश्चन नंबर 9th अपने लिए जो है जरूर से इसी को देखेंगे। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स स्किल्स वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव एंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके रिगार्डिंग में हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है। तो 10th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट, तो अभी आपने इसके बेसिस पे बताना है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा एक जो है कथन इनमें से जो है राइट है। ये क्वेश्चन काफी सिंपल, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था ये हर बार क्वेश्चन आता है और सेम वो देख लीजिए मेरा प्रॉमिस आपसे जो था वैसा ही देखने को मिला है आपको भी। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल एक जो राइट है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। बढ़ते हैं आगे, दोनों की इंटरेक्शंस की बात यहाँ पे और रुकी थी और वही हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो आप कौन सी ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं? फर्स्ट एक बिल्कुल राइट ऑप्शन होगी, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। बढ़ते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की ओर, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स, तो इसके बेसिस पे भी आपको जो है एक राइट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। नहीं सॉरी, मैं ही आपको बता देता हूँ आपने तो क्या करना है अभी। ये लीजिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एक राइट आंसर होगा, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, बिल्कुल एक राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट पीपल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप टिपिकली परफॉर्म पुअरली इन अकेडमिक्स and to reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat a teacher's initial step can be, तो इसके लिए आप कौन सी ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं? तो ऑप्शन नंबर आप जो है डी को देख सकते हैं,
बिल्कुल एक राइट ऑप्शन होगा जब ऐसी बातें ये जो की जा रही हैं, प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफी इजी था ऊपर वाला भी। 14th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसके बेसिस पे आपको जो एक राइट आंसर करना था और वो भी आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल एक राइट होगा। बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज देयर पीयर एज देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। देखो यही भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था और ये क्वेश्चन वैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ पहले आया हुआ था, वो अपने लिए कोई मायने नहीं रखता है, बस ये चेंज कर देते हैं। ये मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ये सीटेट अपने क्वेश्चंस तो कॉपी करता ही करता है, पीएसएट, एचटेट, रीट वाली जो सीट्स हैं, यूपीटेट, वो भी सारे के सारे सीटेट के क्वेश्चंस को कॉपी करते हैं। तो आप इनको कभी भी जो है आप इनको हल्के में मत लीजिएगा। देखते हैं, अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसके बेसिस पे आप जो है देख सकते हैं लक्षण अपने को बताए गए हैं। पढ़ने के लिए चिंता बताई जा रही है, एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, सेकंड डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स के शब्दों तथा अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली, क्वेश्चन की पुअर वोकैबुलरी स्किल्स and difficulty with understanding or remembering what was that, okay। तो इसके basis पे आप पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये एक a student with learning disability, अधिगम अशक्तता वाले जो है विद्यार्थी के basis पे ये option बिल्कुल एक right option होगी। ये एक dyslexic वाली side से आप देख सकते हैं, वो एक point था यहाँ पे जो अपने पास clear हो चुका है। Now 16th question is on your screen। देखते हैं अभी इसी के regarding। A teacher can address needs of specially able learners in an inclusive classroom by। तो इसके बेसिस पे आप जो ऑप्शन देखने वाले, ऑप्शन नंबर डी एक बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। Developing specific learning objectives based on an analysis of each student's learning sense and weakness। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अभी इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 17th। A teacher can encourage क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। तो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आप ऑप्शन नंबर जो है सी को देखेंगे, एनकरेज करेंगे आप इसको, एनकरेजिंग मल्टीपल परस्पेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। देखो ये मैंने करेक्टरिस्टिक आपको पहले ही बताई हुई थी कि ओरिजिनलिटी पाई जाती है क्रिएटिव थिंकर्स में, क्रिएटिव लर्नर्स में, और बिल्कुल उनके जो विचार भी हैं जो एक मल्टीपल दिशाओं में सोच सकते हैं, मल्टीपल परस्पेक्टिव्स के बेसिस पे जो है आप उनको सोचते हुए भी देख सकते हैं। इसीलिए तो उनके लिए जो हमने टर्म पहले भी देखी हुई है डाइवर्जेंट थिंकिंग वाली साइड पे, देखो इस बार इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके डाला और कंफ्यूज करा काफी लोगों को कि डिस्करेज वर्ड लगा दिया, वैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला ये डायरेक्टली पहले बना दिया करते थे। तो मींस ऑप्शन क्वेश्चन तो वहीं से आया है अगर आप देखें तो। देख सकते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 18th के रिगार्डिंग। Which of the following factors support meaningful learning in the classroom? तो इसके रिगार्डिंग आपको जो क्लियर हो रहा होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एक राइट है कि विषय वस्तु तथा बच्चों के जो है संपूर्ण कुशल क्षेम एवं जो है अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना है। आप बिल्कुल जो है उन्हें जेन्युइन इंटरेस्ट जो है शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट आप बिल्कुल उन्हें शो करेंगे जेन्युइन इंटरेस्ट को, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक जो है उदाहरण है? तो इसके लिए आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी, मींस एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। तो ये एक बिल्कुल एक जो है राइट ऑप्शन होगा। इस टाइप का सेम ही क्वेश्चन पिछले सीटेट में भी जो है आया हुआ था और वो भी हमने जो है पहले डिस्कस कर लिया था। बाकी वीडियो को तो मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो भी पेपर्स देखे आए हैं, और जो नहीं भी देखे आए हैं वो भी पीएसएट जो जिन्होंने देने जाना है उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल हो सकती है, तो शेयर कर दीजिए जी सभी में। देख सकते हैं 20th क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग। तो इसके लिए आप जो ऑप्शन नंबर देखने वाले हैं डी, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन। देखो यहाँ पे आपको आंसर करना था नोट के बेसिस पे, तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना ये तो आप गलत कर रहे हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले हमने काफी सारे कर लिए हैं, ये सब के सब प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं लगभग। अगर मैं बात करूं कुछ भी नया नहीं है इनमें, आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ मीन्स बस बातें बदल बदल के अपने सामने रख दी गई हैं। तो देखते हैं अभी 21st को, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन दिस क्लासरूम। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो इसके लिए आज आपको ऑप्शन करना है राइट कमेंट में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल एक राइट होगा।
और टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन की ओर। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से भी मेरा जैसा कि आपको प्रॉमिस था, 2 से 3 क्वेश्चन हर दोनों ही पेपर्स में जो आप देखने को मिले हैं। Constructivist approach suggests that dash is crucial for constructing knowledge. संरचनावादी उपागम, देखो ये मिस्टेक जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सीटेट वालों से, ये फिर उन्होंने वैसे ही किया है। देखो संरचनावादी गलत होता है, संरचनावादी होते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट लोग, ठीक है। तो इनके लिए तो टर्म यूज होती है सृजनावादी या रचनावादी, ये स लगा के सारे का सारा ये पंगा खड़ा कर देते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता ठीक है, बट जिसको पता है स्ट्रक्चरलिस्ट जो अगर हिंदी में रीड करता है तो वो गलत है। बाकी जरूर इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि सीटेट वालों तक ये पहुंच पाए, ठीक है, उनको ये क्लियर हो पाए। ओके, तो ज्यादा इससे अपने को लेना देना है नहीं, कंस्ट्रक्टिविस्ट मिल चुका है अपने को। देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। और बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल एक राइट होगा। देखो वैसे तो प्रायर नॉलेज पे ऐसी कोई बात ना तो पियाजे ने की है, ना ही वाइगोस्की ने की है, ना ही ब्रूनर ने की है, बट अपने पास बाकी तीन ऑप्शन ही रोंग हो जा रही है, तो अपन जाने फर्स्ट के साथ जाने वाले हैं। ओके, बट चलते हैं नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अभी इसी के रिगार्डिंग। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थ्योरीज, देखो सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी था जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, और देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थ्योरीज अबाउट वेरियस फेनोमेनन इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, तो इसके लिए टीचर जो है क्या करना चाहिए टीचर को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एक राइट है, चैलेंज दीज कंसेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट 24th क्वेश्चन की ओर, एंड 24th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ये भी ऐसे लग रहा है जैसे कि ये भी फर्स्ट वालों के साथ ही जो है ये रिपीट होकर ही आ गया है, मींस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस, तो देखेंगे आप इसके लिए कौन सी ऑप्शन जो राइट होंगी। देखो इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकते, इंडिपेंडेंट हम जानते हैं ज़ोंग के बेसिस पे जो पहले भी क्वेश्चन आया था वो तो अपने पास यहाँ पे तो बात ही नहीं रोक रखी, वो तब तो बिल्कुल एक न्यू बात थी सभी के लिए, ठीक है। तो अभी तो वो सबको क्लियर है कि उसके उस पर्सन के अकॉर्डिंग अगर आता है तो फिर तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज तो ये बाय डायरेक्शनल होगा। अ डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, द्विदिशीय है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक जो है क्रिया होती है। ओके, मीन्स ये कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉन स्पेयरेबल, ठीक है, हम जानते हैं, डिस्कस किया हुआ है हमने, और हर बार के सीटेट में ये क्वेश्चन एक ना एक आना ही आना, ये मैंने आपको पहले भी बता ही दिया था। 25th क्वेश्चन अभी आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल एक राइट होगा, ये सभी के सभी जो है इफेक्ट करेंगे। ओके, नाउ 26th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। डैश आर एन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो इसके बेसिस पे आप कौन सी ऑप्शन जो है राइट देख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, देखो ये फिर से उन्हीं के बेसिस पे जो है एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे ये जो एक पॉइंट आ रखा है आप खुद समझ सकते हैं, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट वाली साइड पे क्वेश्चन था, तो काफी बढ़िया और काफी सिंपल सा और काफी एक सिंपल सा एक सिंगल मार्क दिवाने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी चैलेंजिंग रहा होगा काफी स्टूडेंट्स के लिए, देखते हैं अभी इसी के रिगार्डिंग, और काफी इसका भी वेट कर रहे होंगे ना। तो ये मैं आपको वैसे बता दूं, मेरे पास ये जो सेट था वो सेट नंबर ई था, ये मैं आपको पहले बताना भूल ही गया, ठीक है। तो अब ये सेट नंबर ई है जो मैं आपके साथ जो है सॉल्व कर रहा हूं। तो देखते हैं अभी इसी के रिगार्डिंग। व्हेन स्टूडेंट्स रिपीटेडली एंगेज इन एन एक्टिविटी टू अर्न अ रिवॉर्ड दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी दे आर लाइकली टू, तो इसके लिए जो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाले हैं, डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, देखो काफी इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर डी लगा के आए होंगे, बट ऑप्शन नंबर डी एक बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो वो हर बार आप इसको खुद क्लियर करने की कोशिश करें, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय ले रहे हैं, तो ये देखो सेम ही क्वेश्चन ये पेपर वन में भी था, और बिल्कुल मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपका पेपर जो भी मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर देके आ रहा है, इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए ये बेनिफिट जरूर से होता है कि आप उनका पेपर जरूर से देख के जाइए, ये बात मैं हमेशा बोला करता हूं और पहले भी मैंने आपके साथ काफी बार डिस्कस की है, और ये मैं आगे भी आपके लिए बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर देने जाते हैं उनके लिए एडवांटेज है कि जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर देने जाते हैं ना, मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर उनके लिए हमेशा एडवांटेज रहता है, जरूर से देख के जाइए, 10 से 15 मार्क्स सेम उसी पैटर्न के बेसिस पे आपके आ सकते हैं अगर आप उनको क्लियर करके चले जाते हैं, खुद का एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक ऑप्शन ही एक बिल्कुल एक राइट होगा।
तो ये बार बार अगर गतिविधि को करने का निर्णय देते हैं ना, तो उसके लिए जो है ये भौतिकवादी अभिवृत्ति का जो है विकास करेंगे। ये एक बिल्कुल एक जो है राइट पॉइंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, तो ये बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या ऑप्शन देखने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एक राइट होना चाहिए, यूनिवर्सली यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। देखो ये हर जगह पे सेम है, मैं तो इसी के साथ ही जाने वाला हूँ, बाकी देखेंगे फाइनल आंसर इसका। अकॉर्डिंग टू मी यही एक राइट ऑप्शन होगा इसके लिए। नाउ 29th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मध्य बाल्यावस्था की जो है एक विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक राइट होगा, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीटली। देखो इसकी बात तो जिन पे आज भी करते हैं कि बच्चे कॉन्क्रीट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब हम जाते हैं एडोलसेंस में, ठीक है, एडोलसेंस में कोई पर्सन एंटर हो जाता है तो तब हम कौन सी थिंकिंग करने लग जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, काफी बार हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और बिल्कुल इसके बाद आपने नंबर तो कमेंट बॉक्स में बताने ही बताने हैं आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है। फैमिली एंड नेबरहुड आर, देखो ये सेम क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी था, तो मैं तो इसके लिए जो है सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाने वाला हूँ। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी प्राथमिक एजेंसियां हैं, ये बात बिल्कुल जो है इसके लिए एक राइट पॉइंट, और ये रही अपनी जो है एक एक्सपेक्टेड और एक एक्यूरेट, काफी एक्यूरेट आंसर भी आप इसको बोल सकते हैं। आई होप कि आंसर सभी यही सीटेट भी देने वाला है, कुछ चेंज करेगा तो हम भी उसको उसके उसके बेसिस पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे। बाकी जरूर आप भी अपनी सजेशंस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको कुछ लगता है इसमें चेंज करने के लिए, तो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिएगा, जो भी आपके मन में हो कुछ अवधारणाएं, ठीक है, कंसेप्शन, हम जरूर से उसको जो है डिस्कस करेंगे। बाकी मैक्सिमम फ्रेंड्स तक वीडियोज को शेयर कीजिए, ठीक है। पेपर वन के लिए आपने जो है सीडीपी के सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिएगा, कमेंट वो भी मैं जो है इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और बिल्कुल आपके बिल्कुल अभी स्क्रीन पे भी शो कर ही रही होगी, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ठीक है, बाकी मिलेंगी कुछ ऐसी कुछ यूजफुल वीडियोस के साथ फ्यूचर में, इसी के रिगार्डिंग जो है और भी डिस्कशन हम करती रहेंगे। तो बाकी अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। ओके जी, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट कुछ और वैल्यूएबल वीडियोस के साथ।